सबसे पहले मैं मेरी जन्म देने वाले माता पिता और महाराणा प्रताप की धरती को सतत नमन करता हूं। दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर कुछ महिलाएं बैठी हैं और हमारी शुरुआत, हमारी जिंदगी की शुरुआत वहीं से होती है। तो मैं चाहूंगा ये जो महिलाएं बैठी हैं इनके सम्मान में मैं चार शब्द बोलना चाहूंगा। अच्छा लगे तो जोरदार ताली जरूर बजाइएगा। हर रंगों में मिलावट देखी है, हर रंगों में मिलावट देखी है, कच्चे रंगों की सजावट देखी है, सालों साल देखी है मेरी माँ को, उसके चेहरे पे ना कभी थकावट देखी ना कभी प्यार में मिलावट देखी है। दोस्तों, आज हम लोग 11वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारे कंपनी के चीफ सत्य भाटिया सर, श्री अशोक भाटिया सर के सम्मान में ये पूरी मैनेजमेंट और यहाँ के ऑर्गेनाइजर जसवीर जी बहुत कोऑपरेटिव लीडर हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, एंड शेखावत जी मेरे बड़े भाई हैं, और पूरी ये ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए मैं चाहूंगा सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि आईएमसी बनने से पहले मैं क्या करता था और मेरी पोजीशन क्या थी, मेरी इनकम क्या थी और आज मेरी इनकम आईएमसी बिजनेस में आके क्या है। सभी लोग तैयार हैं सुनने के लिए? यस यस। अच्छा, तो मुझे पहले ये बताइए कितने लोग शादीशुदा हैं? हाथ खड़ा करिए प्लीज। हाँ, कुछ लोग तो पत्नी के डर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों की शादी नहीं हुई है? कुछ लोग तो दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। यस। कुछ लोग बोल रहे हैं कितने लोग शादीशुदा हैं? यस। कितने लोग शादीशुदा नहीं है? यस। दोस्तों, आज से करीबन 34 महीने पहले मैंने इस क्रांतिकारी बिजनेस की शुरुआत करी थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। लोग बोलते हैं कि रमन जी आपको इतना पैसा आता है, लेकिन वो पैसा आने के पहले हमने क्या किया, आज मैं बताना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि मेरी पहली सेमिनार है आज जिसमें मैं पूरा सक्सेस स्टोरी के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कोई भी आदमी जो उस मीटिंग हॉल के अंदर में बैठा है, बहुत ध्यान से बस मेरी बातों को सुनिए। आपको शायद अच्छा लगेगा, शायद आपको कुछ इंस्पायरेशन मिलेगा, शायद आप ये सीख के अपनी जिंदगी में रंग भर सकते हैं और शायद आप ही प्रेसिडेंट स्टार बन सकते हैं। सबसे पहले दो लाइन आप लोगों के लिए कि दोस्तों, जहां पानी ही पानी हो उसे समंदर कहते हैं, जहां पानी ही पानी हो उसे समंदर कहते हैं, जो उछल कूद करे उसे बंदर कहते हैं, और जो जिंदगी के सारे जंग जीत ले उसे सिकंदर कहते हैं। यहां बैठे तमाम सिकंदर को रमन कुमार विजय का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत इस मीटिंग के अंदर। दोस्तों, जब आज से 34 महीने पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया, तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी संस्था के अंदर में काम करता था और मेरी मंथली इनकम लगभग 25,000 रुपए थी। मेरी मंथली इनकम 25,000 रुपए थी और मैं बिहार की राजधानी पटना से हूं, और जब भी मैं बात करता था कि मैं एक घर लूंगा अपना, मैं मेरी खुद की गाड़ी लूंगा, तो लोग मजाक उड़ा लेते थे। लोग बोलते थे ये बस बात अच्छा बना सकता है, ये बस सपने से देख सकता है, उस सपने को हकीकत में बदल नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल चीज है जो ये बोलता है, पॉसिबल नहीं है। और मुझे सबसे बुरा सब लगता था कि सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होके हर रोज मेरे घर पे आते थे, मेरा ही चाय पीते थे और मेरे ही बारे में नेगेटिव बात बोलते जाते थे। जब मैं घर से निकलता था तो मुझे बहुत बेकार लगता था कि उनको फेस करना चैलेंज था कि घर से बाहर निकलूंगा तो दरवाजे पर बैठे हैं, उनको फेस कैसे करना है। ऐसे ऐसे लोग बैठे होते थे जो काफी नेगेटिव बात करते थे, तेरा कुछ नहीं हो सकता बेटा, तेरा हो गया, पॉसिबल नहीं है तुमसे कुछ। तो दोस्तों, मैंने कमिटमेंट लिया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ऐसा कमिटमेंट ले लीजिए, लेकिन मैंने कमिटमेंट लिया था आज से 34 महीने पहले कि जब तक करोड़पति नहीं तब तक किसी लड़की का भी पति नहीं। दोस्तों,
आपको जान के खुशी होगी कि आपका छोटा भाई रमन कुमार विजय इस आईएमसी बिजनेस के अंदर में केवल 4 महीने के अंदर में चेयरमैन ब्रेक किया हुआ है। 4 महीने जब इस बिजनेस की हमने शुरुआत किया तो मेरे साथ क्या क्या हुआ ये आपके साथ ही होगा। आप भी तैयार रहिए, तैयार है आप लोग। जब मैं बिजनेस के बारे में लोगों से बात करने जाता था, लोगों से मिलता था, उसको प्लान दिखाता था, तो लोग एक ही बात करते थे, क्या ये पॉसिबल है, किसमें लाखों रुपए आ सकता है, क्या ये संभव है। फालतू बात मत किया करो, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मेरा एक दोस्त जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, वो भी महीने का 30,000 कमाता था, मैं भी महीने का 30,000 कमाता था लगभग। जब मैंने उसको प्लान दिया, बिजनेस के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो उसने मना कर दिया काम करने से। और जब मेरे काम को जो पहले करता था, मैंने छोड़ दिया उस काम को, रिजाइन दे दिया। किसी की इनकम अगर 25-30,000 हो और वो आदमी रिजाइन दे दे, उस काम को छोड़ दे और आईएमसी के आलू बड़ा तुलसी बेचना स्टार्ट करे, लोगों को बताना शुरू करे, प्रमोट करना शुरू करे, तो आप सोच सकते हैं लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। ये तो नो, काफी लोगों ने बहुत तारीफ किया मेरा, काफी लोगों का मैसेज भी आया बधाई और जॉब छोड़ने के लिए और रोड पे आने के लिए। मैंने एक्सेप्ट किया चैलेंज को और मैंने उसको मैसेज कर दिया। मेरा मैसेज मैंने बोला सेव कर लो, जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूं, पहले करोड़पति फिर किसी लड़की का पति, मतलब मैं शादी नहीं करूंगा अगर मैं करोड़पति नहीं बन गया तो इस बिजनेस में। दोस्तों बहुत मजे की बात है और जबरदस्त मेरी इंटरेस्टिंग लाइफ रही। हमने इस बिजनेस की शुरुआत किया, वो लोग जब मैंने पहले महीने काम किया तो 116 लोगों को प्लान दिया, दिन रात काम करता था, दिन रात। मुझे याद है वो दिन जब मैं झारखंड की एक जगह पे प्लान देने गया था, तो मेरे पास होटल में देने के लिए पैसा नहीं था, 1,000 रुपया करीब, 1,000 रुपया देने के लिए पैसा नहीं था कि रात को सोएंगे कहां पे, पैसा नहीं था मेरे पास। तो एक रूम लिया हम सभी लोग और एक रूम के अंदर में हम सभी बैठ गए, रात भर चलो बैठ के रात गुजारना है क्योंकि होटल में देने के लिए पैसा नहीं है। जो मेरा पहले पैसा आता था इनकम आता था उसको तो मैंने छोड़ ही दिया और यहां पर शुरुआत है। सुबह होकर जब मैं उठा, मतलब हम सभी उठे, तो मेरे गाल पे किसी का पैर था तो मेरा पैर किसी के गाल पे था, क्योंकि एक बेड पे 5 लोग सो गए थे क्योंकि पैसा नहीं था। ये सुनो, हमने जनरल ट्रेन से स्लीपर से ट्रेवलिंग किया है इस बिजनेस को लेकर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास एसी का और फ्लाइट का पैसा नहीं था। हमने इस बिजनेस के अंदर में जब बिजनेस स्टार्ट करी तो उस हर आदमी को प्लान देने की कोशिश करी है जो मुझे जानता है, उसके पास में पहुंच के इस बिजनेस के बारे में बताया। लेकिन दोस्तों वक्त जो है शायद मेरा इम्तिहान ले रहा था, जब मैंने 116 लोगों को प्लान दिया तो केवल और केवल 12 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया। और मजे की बात यह है कि वो 12 में से 6 लोग इसलिए ज्वाइन कर गए, अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो 12 बार फोन करके परेशान करेगा, मतलब मेरे पे एहसान करके ज्वाइन करके। ये सुनो, ये काफी 6 लोग ऐसे जुड़ गए। मैं काम करता गया, जब मैंने पहले महीने काम किया पूरा महीने दिन रात काम किया और मेरी इनकम आई 1,200 रुपया। कितने इनकम आई? 1,200 रुपया। तो लोगों ने पूछा कि रमन जी तुमने तो 25,000 का काम छोड़ दिया, कितना पैसा आ रहा है और कैसे हो? मैंने लिखा इस महीने की मेरी इनकम है 1,200 रुपया और मैं बहुत खुश हूं। वो लिखता खा खुश हो, अरे 25,000 छोड़ के 1,200 रुपया आ रहा है, क्या फालतू बात करते हो, अभी भी लौट जाओ, अभी भी अपने काम पे लौट जाओ, ये इनकम मिलेगी आपको। क्योंकि मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री का पावर पता था, मुझे पता था कि ये बिजनेस इतना पैसा देगा कि कल्पना करना मुश्किल है। मुझे ये पता था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, मैंने काफी बुक्स स्टडी किया था, रॉबर्ट कियोसाकी का, डोनाल्ड ट्रंप का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, मैंने काफी ऐसा बुक स्टडी किया था, मुझे पता था नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर क्षमता क्या है, ये मुझे क्या देने वाली है, ये मुझे पता था। मैं काम करते गया दूसरा महीना जब मैंने इस बिजनेस को किया, दिन रात किया, तो मेरा इनकम आया 12,000 रुपया। तो काफी लोगों का फोन आया कि रमन जी काम कैसा चल रहा है तुम्हारा, मैंने बोला मेरा काम बहुत जबरदस्त चल रहा है। कितना इनकम आया? मैंने बोला 1,200। मैंने बोला मेरी इनकम 1,200 12,000।
तो बोलते हैं कि क्या बात कर रहा हूँ, 25,000 की इनकम को छोड़ के दिन रात भटकते भटकते तुमको महीने का 12,000 आ रहा, फिर भी बोलते बहुत अच्छा रहा। मैंने बोला मुझे पता है कि अच्छा कैसे है और मुझे पता है कि ये 1200 को 12 लाख में कैसे कन्वर्ट करना है, नेटवर्क की पावर मुझे पता है। दोस्तों इस बिजनेस में जब आप बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे, बहुत परेशानियां आएंगी, लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा इस मीटिंग में कितने लोग पहली बार आए, हाथ खड़ा करिएगा एक बार, पहली बार मीटिंग में मीटिंग में पहली बार आप लोग आए। मैं ऐसे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा होता था। आप मीटिंग के अंदर आते हैं, जसवीर सिंह को सुनते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान के बारे में देखते हैं, जानते हैं, ये सब लोग अच्छा लगता है, लगता है रमन कुमार विजय को सुना हमने, जसवीर जी को सुना, नरेश जी को सुना, तो मुझे भी महीने का 1,00,000 रुपया आ सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन 90% लोग जब इस मीटिंग के बाहर निकलते हैं तो घर जाके अपने पड़ोसी से पूछते हैं कि ऐसे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं या नाई के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। कोर्ट में कचहरी का मामला आता है तो आप किसके पास आते हैं, डॉक्टर के पास, वकील के पास, वकील के पास। जब आपको बाल कटवाना होता है तो डॉक्टर के पास आते हैं कि नाई के पास, नाई के पास। लेकिन अपने भविष्य का फैसला करना होता है तो हम पड़ोसी के पास चले जाते हैं। मीटिंग को आपने सुना, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान के बारे में आपने जाना, आपने समझा, लेकिन आपके भाग्य का फैसला वो आदमी कर देगा जिसको नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में पता भी नहीं है। ये सुनो, यस, चाची का लड़का आपका मुंबई में रहता है, उसको फोन करके बोलो कि मुझे आईएमसी बिजनेस करना है, मैंने सेमिनार देखा बहुत जबरदस्त, कैसा बिजनेस करूं या नहीं करूं। वो आपने मुंबई से बैठ के एक मिनट के अंदर फोन पे आपके भविष्य का फैसला कर देगा, नहीं करना चाहिए, उसको पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मैं आप सब एक लाइन बोलना चाहूंगा, अच्छा लगे तो जोरदार ताली बजाना कि दोस्त कभी भी आपके भविष्य का फैसला केवल और केवल आप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी बाकी है, दूसरी बात कि आप के भविष्य का फैसला आपका पड़ोसी करता है। अगर आपका पड़ोसी, अगर आपका पड़ोसी इतना ही समझदार है तो आपका पड़ोसी नहीं होता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान का पड़ोसी होता। तो सबसे पहले तो डिसीजन आपने खुद लेना है, आपके भाग्य का फैसला आपको खुद करना है, आपके करियर का चुनाव खुद करना है आपको। मैंने भी, मुझे भी काफी पड़ोसी फोन करके बोलते थे, कोई मुंबई से, कोई चेन्नई से, कि कहां फालतू चीजों में लग गया है। लेकिन चूंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे पता था, आईएमसी बिजनेस के बारे में मुझे पता था, मैं करता गया, काफी ऐसे बार आया जहां पे लोग टकमगाते हैं, आप लोग मत टकमगाना। कितने ऐसे लोग हैं जिनके अपलाइन काम छोड़कर चले गए, हाथ खड़ा करना प्लीज, ईमानदारी से, जो आपको बिजनेस में ज्वाइन करा के काम छोड़ के चला गया हो, प्लीज ऐसे लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। हाँ, आपको बिजनेस में ज्वाइन करा के और वो दूसरी कंपनी में चला गया हो या आईएमसी बिजनेस छोड़ दिया हो, ये जितने भी लोग आपको अभी दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से करीबन 20 लोग ऐसे हैं जिनके अपलाइन ने आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन करा के बिजनेस को छोड़ दिया। यस, मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। थैंक यू। मैं इसलिए बोल रहा आपसे कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जिस बंदे ने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, बहुत गर्व से बोलता हूं आज, जिस बंदे ने मुझे इस बिजनेस के अंदर में ज्वाइन कराया, वो आदमी 25,000 रुपए के आदमी नौकरी कर रहा है और मैं हर महीने भारत सरकार को 40 से 45,000 टैक्स पे करता हूं। काफी लोगों के मन में यह आता है, अरे ज्वाइन तो कराया थे वो फलाना मिश्रा जी, और मिश्रा जी तो खूब काम नहीं करे, तो मैं क्यों करूं, मैं कैसे करूं काम। थैंक यू उस आदमी का जिसने मुझे बिजनेस के अंदर, करियर के अंदर ज्वाइन कराया, और आज मुझे बहुत थैंक यू मैं उसको बोलना चाहूंगा जिसने मुझे इस बिजनेस में केवल ला दिया। दोस्तों मेरी कहानी और इंटरेस्टिंग है, इसको अब ध्यान से सुनिए। जिस बंदे ने मुझे इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराया, आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन करा दी, और ज्वाइनिंग कराने के बाद अगले ही महीने बोलता है, रमन जी आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन बनने के लिए 8 लेग में काम करना पड़ेगा, मेरे पास एक ऐसा प्लान आया है जहां केवल 4 लोगों को जोड़ देंगे तो चेयरमैन बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। मैं बोला, अरे यार तुम तो अभी एक महीने पहले बोल रहे थे इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं है, और 15 दिन बाद एक नया बिजनेस लॉन्च हो गया तो आईएमसी से भी अच्छा है।
अभी 15-20 दिन पहले मैं जब तक मेरे ग्रेट अप्लाई मैं चाहूंगा मेरे ग्रेट अप्लाई डॉक्टर अख्तर खानवाला के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जब तक मैं मेरे अप्लाई के साथ काम करते कर रहा था, सीख रहा था उनसे कैसे करना है बिजनेस को, करते जा रहा था, करीबन 1.5 महीना बीत गया, उस आदमी का फिर मेरे पास फोन आया, रमन जी कहां पे हो? मैं बोला पटना में। अरे एक ऐसा प्लान आ गया है जहां आप 4 लाख भी नहीं करना है, 2 लाख करोगे करोड़पति, 2 लाख में काम करोगे करोड़पति बन जाओगे। करीबन 2.5 महीना बीत गया, उस आदमी का मेरे पास फिर फोन आया, बोले रमन जी आप तो ऐसा बिजनेस आ गया है जिसमें ज्वाइन करो और एक आदमी को ज्वाइन कराओ करोड़पति। करीबन 10 महीने बीत चुके थे, उस आदमी का मेरे पास फोन आता है और बोलता है रमन जी कहां फंस गया तुम, मेरे पास अब ऐसा बिजनेस आ गया है जहां कुछ नहीं करना है ज्वाइन करना है करोड़पति। दोस्तों हो सकता है कि आपने जिस आपको जिसने इस बिजनेस में लाया है वो भी आपके साथ ऐसा कर रहा है या कर सकता है, लेकिन आप मत हिलना मेरी तरफ, खड़े रहना इस बिजनेस के अंदर। दोस्तों हुआ यूं कि करीबन 10 महीने बाद जब वो मेरे से मिला तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ऑफिस के अंदर आया, मैंने लैपटॉप ऑन किया, लैपटॉप घुमा कर उसके सामने में रख दिया। वो आपने 15 मिनट तक मेरे से कोई बात ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी 11 महीने की इनकम 3 लाख से ज्यादा थी, 3 लाख पहले वो। मैंने उसको मिठाई खिलाया, थैंक यू बोला कि भाई तूने मुझे इस बिजनेस के अंदर लाया, लेकिन तुम सच में चाहते हो कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ो, बहुत नाम कमाओ, बहुत पैसा कमाओ, तो आपको भी इस इंडस्ट्री के अंदर इस बिजनेस के अंदर में आना पड़ेगा। इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट प्रोफाइल और बिजनेस प्लान है, इसके अंदर आना पड़ेगा बहुत आपको अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों जब मेरा बिजनेस का 3-4 महीना बीतते गया, मेरे साथ जो मेरा दोस्त काम करता था इंश्योरेंस, जब वो करता था महीने की 30,000 सैलरी थी, मैं भी कोई दूसरा काम करता था, मुझे भी महीने का 30,000 रुपए लगभग आता था, उससे मेरी लगातार बात होती रहती थी। और वो लोग जो 116 लोगों को हमने पहले महीने प्लान दिया था, सभी लोगों का डायरी में मेरा मोबाइल नंबर मैंने लिखा हुआ था, जगह लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था। मेरे पास एक दिन एक आदमी का फोन आता है और वो बोलता है कि रमन जी कितना पैसा आ रहा तुमको? मैंने बोला मुझे अभी तो स्टार्टिंग है, कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी महीने का 5-6 लाख रुपया तो आ रहा है, क्या बात करते हो? मैंने बोला जल्दी बात कर रहे हो तो करोगे, तो मेरे पास दूसरा फोन आ रहा है, मैं तुम्हारा फोन रख दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि मेरे भरोसे आज हजारों लोग मेरे भरोसे मेरे विश्वास में मेरे साथ आए हैं, मेरा कर्तव्य है उसके साथ कदम से कदम मिला के उसको आगे बढ़ाना। ये सुनो, तो वो आदमी बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत हंसी भी आएगी। वो आदमी बोलता है अरे यार ये बिजनेस जब इतना बढ़िया था तो सीरियसली क्यों नहीं बताया? अब उसको जो जवाब दिया मैंने वो भी ध्यान से सुनिए। मैं बोला मेरे भाई जब मैं बिजनेस को ज्वाइन किया तो तुम्हारे घर से हर महीने अगले 4 महीने तक तुम्हारे घर पे जा जाके समझाता था, बिजनेस के बारे में बताता था, प्लान के बारे में बताता था, अब क्या हॉस्पिटल में एडमिट होकर सीरियसली फोन करूं? दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होगा, वो आदमी जिसको आप प्लान दे रहे हैं, जिसको आज आप प्लान दे रहे हैं, वो सभी लोग आपके साथ आएंगे। कुछ लोग बिजनेस प्लान देख के आते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट को देख के आएंगे, कुछ लोग कंपनी को प्रोफाइल को देख के आएंगे, कुछ लोग आपका अचीवमेंट देख के आएंगे, इंतजार करना है। और कुछ लोग 1% लोग कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अगर 100% लोग आ गए तो आपका गाड़ी ड्राइव कौन करेगा, आपका कपड़ा साफ कौन करेगा? इसलिए 1% लोग कभी नहीं आते हैं क्योंकि उनकी सोच, उनकी मानसिकता ये आगे बैठे लोगों की तरह कभी नहीं हो सकती है। तो मेरा आप लोगों से बस ये बोलना है कि जो बिजनेस है, ये जो इंडस्ट्री है, ये बहुत कुछ दे सकती है, सबसे भी है कि ये जो डाइवर्सन है उससे बचने की जरूरत है। अपलाइन क्या कर रहा है उससे बचने की जरूरत है। अपलाइन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, दूसरी कंपनी का प्लान दे रहा है, काम नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका निर्णय पक्का, अगर आपका डिसीजन पक्का है, दुनिया का कोई ताकत हिला नहीं सकता है। एक मीटिंग के अंदर मैं बोला कि जब तक करोड़पति नहीं तब तक किसी लड़की का पति नहीं। तो एक आदमी मीटिंग के बाद स्टेज पे आके बोलता है सर मैं भी एक कमिटमेंट लेता हूं, जब तक करोड़पति नहीं तब तक किसी का पति नहीं। मैं बोला भाई तुम ऐसा मत बोलो, बाय चांस नहीं हुआ तो साला मैं पिटा खा जाऊं तुम्हारे चक्कर में।
लेकिन ये मैसेज देने का मेरा केवल और केवल एक मकसद यह है दोस्त कि आपको एक कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको लगे कि आप उसके लिए दिन रात काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बैठे होते हैं मीटिंग के अंदर, उनको समझ नहीं आता है कि आप ये बिजनेस में लाखों रुपए कैसे आता है। 1200-1500 रुपए आपका प्रोडक्ट बेच के, 300-150-100 रुपए का प्रोडक्ट बेच के आदमी लाखपति करोड़पति कैसे बनता है। मैं उसको एक छोटा सा माध्यम से बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब हम मच्छरदानी के अंदर जाके सो जाते हैं, मच्छरदानी कितने लोग लगाते हैं? सभी लोग मेरे घर से यस मच्छरदानी यूज करते हैं, ये सुनो। जब मच्छरदानी हम लगाते हैं और मच्छरदानी के अंदर जाके सो जाते हैं तो मच्छर क्या सोचता होगा? ये उसी तरह है जैसे एक आदमी जो नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता है, जब उसको आप बोलेंगे कि महीने का लाखों रुपया आता है इस बिजनेस से, तो उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि उसको सिस्टम पता नहीं है, उसको कंपनी के बारे में पता नहीं है। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, आपको समझ में आ जाएगा कि उनको क्यों समझ में नहीं आता है। जब मच्छरदानी के अंदर हम लोग घुस जाते हैं तो मच्छर जो बाहर होता है वो रात भर गाना गाता है। पता क्या गाना गाता है? वो गाना ये गाता है कि साला मैं इतना छोटा सा जीव होके ये मच्छरदानी के अंदर नहीं जा पा रहा हूं, ये 8 फुट का सांड कैसे खराटा ले रहा अंदर में। ये तो ना, क्योंकि उसको सिस्टम पता नहीं है। जिसको सिस्टम पता नहीं उसको ये पता नहीं है कि 8 पिलर खड़ा करना है और मच्छरदानी टांग देना है और 8 पिलर के अंदर में मच्छरदानी को बांध देना है। एक बार अगर आपने 8 पिलर खड़ा कर लिया तो मच्छरदानी के अंदर चैन के साथ में वो जिंदगी भर, एक बार 8 पिलर खड़ा करने की जरूरत है मेरे दोस्त। मैं आपसे बस ये कमिटमेंट चाहता हूं कि एक डॉक्टर बनने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए 8 से 10 साल पूरी जिंदगी पूरी ताकत से लगाता है। ये सुनो, पढ़ाई करते करते उसकी आंखें लाल हो जाती है, पीली होती है, काली होती है। एक इंजीनियर बनने के लिए 10 साल पूरी ताकत लगाता है। एक लॉयर बनने के लिए पूरी ताकत लगाता है, लाखों रुपया खर्च करता है। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या इस इंडस्ट्री के अंदर, इस क्रांतिकारी बिजनेस के अंदर आप अपनी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण 3 से 5 साल दे सकते हैं? Yes. दे सकते हैं? Yes. दुनिया का कोई भी ताकत इस बिजनेस में जिसने ईमानदारी से इस बिजनेस को बिजनेस की तरह से 3 से 5 साल दे दिया, करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता है मेरे दोस्त, कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा ज्वाइनिंग का 4-5 महीना बीत चुका था, काफी लोग